हर थर्सडे पेरेंटिंग के बेस्ट एडवाइस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बगल में जो छोटू सा घंटी है उसे भी बजा दें, ताकि मेरे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को आए। खान पान में गड़बड़ी, डेली रूटीन में चेंजेस या बदलते मौसम की वजह से छोटे बच्चों में अक्सर पेट दर्द के साथ एसिडिटी और कब्ज की समस्या होती ही है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि बेबी को कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रही है। क्या उसे बाई बर्थ कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, बच्चा मदर्स मिल्क पीता है या फॉर्मूला मिल्क, या उसे कब्ज की समस्या कब से शुरू हुई, सॉलिड फूड स्टार्ट करते वक्त या वीनिंग के वक्त। अक्सर लोग इंस्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथी मेडिसिन का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप भी मेरे जैसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बजाय घरेलू उपचारों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ये वीडियो खास कर आपके लिए है। एक्चुअली लास्ट 2 वीक से मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम हो रही थी और इस लॉकडाउन पीरियड में मैं हरगिज़ उसे लेके बाहर नहीं जाना चाहती थी। हालांकि अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो जो नुस्खे उस पर आजमाए और जो जो उस पर बेहद असरदार साबित हुए, वो सारे टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में 6 जबरदस्त होम रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ। अगर पहले के 5 टिप्स से कोई इफेक्ट नहीं दिखता है तो 6 टिप्स से 100% बच्चे को पॉटी होगी ही होगी, और अगर आप इन टिप्स को सही से फॉलो करोगे तो बच्चे को एक ही दिन में पेट बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग का अनुभव पाइएगा। हेलो हैप्पी मम्मास, हैप्पी बेबीज, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट टुगेदर। तो आज हम सीखेंगे कैसे छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या से डील किया जाए। क्योंकि बच्चे हमारे जैसे कन्वे नहीं कर पाते, तो पहला क्वेश्चन ये कि हम इस समस्या को पहचाने कैसे। हफ्ते में 3 बार से कम पॉटी करना, पॉटी करते समय चिड़चिड़ाना, दर्द के कारण रोना या मुंह लाल हो जाना। जब बच्चा पॉटी करने से डर रहा हो और अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, जोर लगाकर हार्ड या रूखा पॉटी करना, तो आप इन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें और फटाफट इन घरेलू उपचारों को ट्राई करें। सबसे पहली चीज़, बच्चे को किशमिश, पपीता या अमरूद का जूस पिलाएं। उनके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इंक्लूड करें, जैसे कि नारियल, खीरा, गाजर, संतरा, खजूर, अंगूर वगैरह। नारियल पानी, नींबू पानी या फ्रूट जूसेस उनके डेली फूड रूटीन में होना ज़रूरी है, ताकि उन्हें आगे चलते ऐसे इश्यूज ना हो। किशमिश तो यार ऐसी मैजिकल फ्रूट है जो न केवल पॉटी में मदद करता है, बल्कि उसे सॉफ्ट बना के शरीर से बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल देता है। हालांकि मैं कहूंगी कि ये बेस्ट होम रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। किशमिश को आप 2 घंटे गर्म पानी में सोक करें और फिर ग्राइंड करके छान लें। इसे आप बच्चों के खीर, हलवे या दूध में मिला के दे सकते हैं। अगर आप डेली सुबह सुबह अपने बच्चे को किशमिश जूस देंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसे कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम उसे गर्म पानी पिलाते रहें। मैं सुबह सुबह थर्मोफ्लास्क में गर्म पानी लेके रख लेती थी और हर 30-40 मिनट्स में अलार्म लगा के बिल्कुल याद से उसे छोटे ग्लास भर के पानी पिलाते रहती थी दिन भर। भले ही बच्चे को इसे पीने का मन ना हो, बट इंश्योर करें कि जैसे तैसे उसे पिलाते ही रहें, और ऐसा करने से रात तक उसे पक्का से पॉटी हो जाती थी। उसका सॉलिड इंटेक थोड़ा कम भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट देते रहें। दूसरी चीज़ है हींग। इसे इंडिया का सुपर फूड माना जाता है, जो पेट साफ करने के प्रॉपर्टीज़ की वजह से पॉपुलर है। 1 साल के बाद से आप हींग को बेबी के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं जितना हो सके ऑलमोस्ट सारे बेबी फूड्स में घी में हींग का तड़का डालना प्रिफर करती हूँ। इससे बच्चे का डाइजेशन बना रहता है। पर अगर आपका बच्चा 10 मंथ से छोटा है तो इसे ओरली न दें, बल्कि मैं यही रिकमेंड करूँगी कि हींग पेस्ट से उसके पेट पर मालिश करें। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तीसरी टिप ये कि रात को सोने से पहले बच्चे को 1 या 2 चम्मच भर के घी खिलाएं, या फिर आप उसे दूध में भी मिला के दे सकते हैं। बच्चे का एज और उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करें। कर्ड या बटर मिल्क देने से भी बच्चे को कब्ज की समस्या से राहत मिल सकता है। यूजुअली जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से फॉर्मूला मिल्क या सॉलिड फूड्स पे स्विच करता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होने के चांसेस हैं। अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल सदियों से कब्ज से राहत दिलाने के लिए मशहूर माना जाता है। इसमें मौजूद रिसिनोलिक एसिड में लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि पेट साफ करने के गुण हैं।
लेकिन 6 साल से कम बच्चों को कैस्टर ऑयल ओरली देना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए कैस्टर ऑयल को गुनगुना गर्म करके बच्चे के पूरे बदन पे अच्छे से मालिश कर दें, स्पेशली उसके पेट पे और पॉटी करने की जगह पे भी लगाएं। उसके पैरों को साइकिलिंग या बेंडिंग मूवमेंट्स करवाते रहें। इस टिप से मेरी बच्ची को बहुत हेल्प हुआ। और यदि ब्रेस्टफेड बेबीज को कॉन्स्टिपेशन इश्यू होता है तो मामास को पूरी तरह से कैलीफ्लावर और कैबेज खाना अवॉइड कर देना चाहिए। गर्म पानी में थोड़ी देर बैठा दीजिए या गर्म पानी से उसे नहला दीजिए। इससे उसका स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा और उसे पॉटी करने में आसानी होगी। और सोने से पहले उसके पॉटी करने की जगह पर रैश क्रीम ज़रूर लगाएं। इससे हीलिंग के लिए उसे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अगर अब तक बताए गए टिप्स से आपके बच्चे को राहत नहीं मिल पाता है तो ही आप इस रेमेडी को अपनाइएगा। इसके लिए आप ज़रा सा रुई ले लें, इतना। इसे आप बत्ती का शेप दे दें, इस तरह से। अब थोड़ा पानी साबुन पे डालें और उस रुई को अच्छी तरह से कोट कर लें। आपके घर में कोई भी साबुन होगा आप यूज़ कर सकते हैं, हार्श सोप कुछ भी चलेगा। तो अब देखिए ये अच्छे से कोट हो चुका है। तो इसको अब क्या करेंगे, मैं डेमो के लिए एक डॉल ले रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस बत्ती को बच्चे के नीचे में अच्छे से डाल लें। घबराइएगा नहीं, ये पॉटी के साथ साथ अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। और ऐसा करने से 5 मिनट में आपके बच्चे का पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। लेकिन ये मैक्स हफ्ते में एक ही बार करें। शुरू के 5 टिप्स को आप एक ही दिन में फॉलो करें, जिससे कि 6 स्टेप के बिना ही आपका प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपको ये सही नहीं लगता है या ऊपर बताए गए टिप्स से आपके बच्चे को राहत नहीं मिल पाता, तो आपके बच्चे के मामले में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान दें, अब क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ है आपके बच्चे के लिए, आपके प्यार और कम्फर्ट की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके गुस्सा होने या डांटने से बच्चा और भी डर जाएगा और उसके कारण पॉटी नहीं करेगा। इंस्टेड आप उसे खूब सारा एंकरेजमेंट दे और हो सके तो उसकी सक्सेस पर रिवॉर्ड्स भी दे। ये आपको फनी लग सकता है लेकिन ये मेरी बच्ची पे वर्कआउट हुआ। टॉयलेट ट्रेनिंग और बैलेंस डाइट, इन दो चीज़ों से बच्चों के हेल्थ को सही किया जा सकता है। और बहुत जल्द टॉयलेट ट्रेनिंग पे भी वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। आपके बच्चे का पूपिंग प्रोसेस रेगुलर है या नहीं ये जानने के लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयरिंग इज केयरिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू अ हैप्पी मम्माहुड।